सिलेबस कंप्लीशन की अगर मैं बात करता हूँ तो अब एक एक एस्पेक्ट को अपन लेंगे और कवर करेंगे पूरा का पूरा। बेसिक फंडा मैंने बता दिया कि कितना इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारी बातें जो आईआईटीज के फेवर में है, बहुत सारी चीजें। और ऐसा भी नहीं कि आईआईटी नहीं किया तो कुछ नहीं किया। मैं कह रहा हूँ लाइफ में हमेशा जब तक अपन जिंदा है तब तक चांस मिलते रहेंगे किसी ना किसी फॉर्म में, लेकिन सही टाइम भी तो होता ना हर चीज का। सही समय ये है, ये समझने वाली बात। अब सिलेबस कंप्लीशन की बात करते हैं, फिर अपन एक एक एस्पेक्ट सबकी बात करेंगे। सिलेबस कंप्लीशन जो है वो कायदे से जो 12th स्टडिंग स्टूडेंट है, आप सभी 12th स्टडिंग ही, अब 11th से 12th वाला मूविंग वाला पार्ट है आपका, तो आप सभी को कायदे से वही अक्टूबर तक के आसपास बढ़िया से सिलेबस कंप्लीट हो जाए, दैट इज फाइन। बहुत पहले करके भी कोई फायदा नहीं होता, जितना करो ढंग से करो, अक्टूबर नवंबर तक हो जाए दैट इज फाइन, क्योंकि उसके बाद भी रिविजन का टाइम मिल जाता है बहुत जल्दी निपटा के। कई जगह होता है बहुत ही जल्दी करा, कोई फायदा नहीं है क्योंकि फिर अभी बहुत स्पीड हो जाएगी। तो जितना करो ढंग से करते जाओ, जर्नी है यार, जल्दी से वहां पहुंच जाए, आगे आगे के मत सोच। तो पॉइंट इज दैट सिलेबस कंप्लीशन में अगर आप क्लास 12th, जैसे आप हो ही ऑनलाइन में सभी स्टूडेंट्स क्लास 12th वाले, तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि भाई अक्टूबर नवंबर तक खत्म कर लें इसको, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अर्ली ड्रॉपर्स भी होते हैं, जिनने अभी से डिसाइड कर लिया होता है कि ड्रॉप कर ले, उनके लिए भी यही सही है। अभी से अगर तैयारी शुरू करें तो अक्टूबर नवंबर तक खत्म कर ले, जेई एडवांस लेवल तक। सबसे बड़ी बात जेई एडवांस लेवल तक। अगली चीज मैं इसी में बात बताऊंगा कि भाई जेई मेन को और एडवांस को कैसे बैलेंस किया जाए। तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको फोकस किस चीज पे करना है, एडवांस पे। आईआईटीज के अलावा कुछ और दिमाग में नहीं लाना है, एनआईटी वेनआईटी कोई मतलब नहीं है। मैं कभी नहीं सोचता था, मैं बता रहा हूं, पहला अटेम्प्ट मेरा, पहला अटेम्प्ट जब था तब मेरे को एनआईटीज मिल रहा था, ये सब मिल रहा था, लेकिन आईआईटी नहीं मिल पा रहा था पहले अटेम्प्ट में, मुझे फिर एक और अटेम्प्ट लेना पड़ा। जो भी मेरी कमियां रही आपको मैं वही बताऊंगा कि वो कमियां आपको नहीं करनी है, वही चीजें जो मैंने सीख लिया, ताकि आपका पहले ही अटेम्प्ट में आप उसको क्रैक कर पाओ, वो भी अच्छी रैंक से। क्योंकि मेरा जो जर्नी रहा है उसमें दोनों बातें रही है, पहली बार में एनआईटीज तक हुआ, अगली बार में आईआईटी तक हुआ। उसके अलावा जब पढ़ाने की जो जर्नी रही उसमें मैंने हर तरह के स्टूडेंट पढ़ाए हैं, ऐसे भी स्टूडेंट पढ़ाए हैं जिनकी टॉप 100 में रैंक आई है, ऐसे भी पढ़ाए हैं जिनकी 500, 700, 1000, 2000 तक आई है, ऐसे भी जिनकी पीछे रैंक आई है, ऐसे भी हैं जिनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ। तो आई हैव सीन सो मेनी टाइप ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल, मैं खुद भी एक स्टूडेंट रहा था, तो पूरी जर्नी मुझे आज से लेके, शुरू से लेके अब तक याद है। तो वही मैं आज आपको एक एक करके बता रहा हूँ कि भाई कहाँ कहाँ पे गलतियाँ मुझसे हुई थी, ताकि वो आप नहीं करोगे। अक्टूबर नवंबर तक कर लो, जेई मेन पे आपको अलग से फोकस करने की जरूरत नहीं है। जेई मेन के बस करना क्या भाई, जो क्लास में कराया जाता है वो क्वेश्चन, पीवाईक्यू वगैरह कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए चैप्टर वाइज, और उसके अलावा मॉक टेस्ट दे लिया, बहुत है। प्राइमरी फोकस आपका किस पे होना चाहिए, एडवांस पे। अब बात यह है कि एडवांस पे फोकस करें, क्या करें भाई, करें क्या? तो पहली चीज, आप जहां पे भी पढ़ाई कर रहे हो, आप सभी ग्लेडिएटर बैच का हिस्सा हो ऑलरेडी, तो आप सभी जो है क्लास में जब कराया जाता है तो क्लास में पहले थ्योरी कराई जाती है, फिर क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो क्लास में पहली चीज एडवांस लेवल के क्वेश्चन एकदम तो होते नहीं, पहले तो बेसिक ही कराए जाएंगे, लेकिन वी नीड टू मेक श्योर कि क्लास में एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हम करें, सर करवाएं, टीचर करवाएं। तो आपके टीचर अगर बाय द वे नहीं कराते, वैसे कराते ही होंगे, लेकिन अगर वो नहीं कराते हैं, कभी कभी भी हो जाता रह जाता है, क्योंकि मैंने बहुत जगह मिसिंग देखा है। ये शीट में होता है क्वेश्चन एडवांस का, बहुत जगह एडवांस का होता है, क्लास में कम क्वेश्चन होते हैं एडवांस के। अब क्लास में अगर कम क्वेश्चन होंगे तो हमारी अप्रोच कैसे बनेगी? यानी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सिलेबस कंप्लीशन में कि भाई क्लास के अंदर जेई एडवांस के लेवल के क्वेश्चंस आपको सभी को करने हैं। अब अगली बात, क्लास में मान लो सर ने अब करवा रहे, नाउ टीचर जो है आपके बैच में आपको क्लास में जेई एडवांस के लेवल के क्वेश्चन करा रहे, सबसे बड़ी बात यह होती है कि उसको ढंग से अटेम्प्ट करना। जितने अच्छे स्टूडेंट है, जितने भी मैंने टॉप 100 के स्टूडेंट्स पढ़ाए, उनका सबसे बड़ा फंडा क्या रहता था, वो क्लास के अंदर जब क्वेश्चन कराते थे ना टीचर, जैसे मैंने कुछ दिया, भाई बिल्कुल फोकस के साथ उस क्वेश्चन को, पूरी तवज्जो के साथ कि भाई बाय द वे मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तो उस वैल्यू के साथ वो हर सवाल को पूरे साल सॉल्व करते हैं, हर सवाल को पूरे जज्बे के साथ। हम क्या करते हैं नॉर्मली, क्योंकि मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट भी रह चुका हूं तो मुझे पता है माइंडसेट क्या होता है, कि क्लास में क्वेश्चन दिया तो हम क्या करते हैं, बहुत बार ऐसी कैजुअली ले लेते हैं, हल्का फुल्का ट्राई करते हैं, पूरा एफर्ट नहीं देते, अपना 100% नहीं देते, और अपना माइंड उतना डेवलप होता नहीं है, और फिर हम सोचते हैं कि यार घर पे क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा मेरे से। अरे भाई दिमाग तूने क्लास में डेवलप अगर नहीं किया, क्लास में अगर तुझसे क्वेश्चन नहीं हुआ तो घर पे क्या होगा, और अगर घर पे नहीं हुआ तो एग्जाम में क्या होगा। यानी ये सब चीजें आपस में
जुड़ी हुई है, आपका होमवर्क का परफॉर्मेंस, सब चीजें किस पे जुड़ी हैं? पहली चीज क्लास। तो क्लास के दौरान जेई एडवांस का लेवल अपना मेंटेन रखो, है ना। क्लास के दौरान आपको क्या देना है? अपना 100% देना है, अपना 100% देना है। बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठो, समझो चीजों को और क्वेश्चंस को ढंग से अटेम्प्ट करो, ठीक है।